वो लोग अपने हाथ को उठाओ जो लोग चाहते हैं कि इस ब्लड को लेने के बाद उनके जीवन में शारीरिक हीलिंग हो, उनकी बॉडी हील हो जाए। हिलाओ जरा हाथों को, देखो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आगे आना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि एक्सपेक्टेशन से डबल लोग हैं चर्च। तो आपको एक शर्त है, आपको अपना पड़ोसी नहीं देखना है कि वो किस डिक्लेरेशन पे ले रहा है, क्योंकि हो सकता है उसके जीवन में कोई गुनाह हो, पाप हो, ऐसा जिससे वो फाइट कर रहा है उस सोच के साथ, और आप उसको देखें तो वो शर्मिंदा हो जाए और ले ना सके कि मेरे पड़ोसी को मालूम, मेरे पापा को मालूम हो जाएगा, मेरी माँ को पता लग जाएगा, मेरे भाई को पता लग जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? जब घोषणाएं होंगी आप आंखों को बंद कर लेंगे और लास्ट में मैं हीलिंग के लिए प्रेयर करूंगा। जब लास्ट हीलिंग के लिए प्रेयर होगी आप अपने आप को चेक करना, वो बीमारी 100% आपकी बॉडी को छोड़ के निकल जाए, क्योंकि आज आप समझ के भोज को ले रहे हैं। आपने कभी ये वचन नहीं सुना होगा और मैंने अभी आपको पूरा नहीं सुनाया है, इसको मैं कंटिन्यू रखूंगा क्योंकि मुझे ये पूरा हफ्ता भी प्रभु भोज चलेगा, प्रेयर माउंटेन के ऊपर भी चलेगा, थर्सडे भी होगा और अगले संडे भी होगा, ताकि आपको पूरी तरह से मैं समझा सकूं कि ब्लड में क्या है, क्यों है। अपने हाथों को उठा, उठाओ अपने हाथों को। इमरजेंसी वाले लोगों के लिए एक इंस्ट्रक्शन है, जब वो प्रभु भोज लेंगे तो वचन कहता है कि जब उसने लहू से हमको धोया तो हम पर तेल मला। तो टीम आप उन पे तेल को मलेंगे और आप देखेंगे परमेश्वर किस रीति के साथ उनकी जिंदगी में काम करता है। अपने भोज को निकालते हैं वो भाई वो बहन जो शैतान के उस डिप्रेशन के नीचे रहते हैं, वो भाई वो बहन जो चिंताओं के नीचे रहते हैं, अपनी इच्छा को पूरी तरह से तेरे आगे समर्पित नहीं कर पाते। आज मैं घोषणा करता हूं ये लहू उनके और शैतान तेरे बीच में खड़ा है। आज से मैं घोषणा करता हूं वो सारा स्ट्रेस, आज से मैं घोषणा करता हूं वो सारा डिप्रेशन, आज से मैं घोषणा करता हूं वो सारी डेविलिश चिंता इनकी लाइफ को छोड़ के जा चुकी है जो इस प्रभु भोज को ले रहे हैं जीसस नेम। आज मैं घोषणा करता हूं इस प्रभु भोज को लेने के बाद आप परमेश्वर के साथ सीधा सीधा बिल्कुल सीधा आप चल पाएंगे और आपकी इच्छा को समर्पित कर पाएंगे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर वो फीलिंग जो शैतानी है और शारीरिक है, उस माथे से जो लहू निकला खुदा बाप का, यीशु मसीह का, उस फीलिंग को मैं आपकी लाइफ से खत्म करता हूं जो शैतानी और शारीरिक है, क्योंकि यीशु का लहू जो उसके माथे से निकला, हर वो फीलिंग जो परमेश्वर की ओर से पनपी नहीं है आपकी जिंदगी में, उस फीलिंग को मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से उसके खून से धोता हूं और निकालता हूं आपकी लाइफ से इन जीसस नेम। वो फीलिंग दुश्मनी की भी हो सकती है, वो फीलिंग एक सांसारिक प्रेम की हो सकती है, वो फीलिंग एक जेलसी की हो सकती है, और वचन कहता है जो शारीरिक दशा में है वो यीशु मसीह को प्रसन्न नहीं कर सकते। आज मैं प्रार्थना करता हूं जो लहू यीशु मसीह के माथे से निकला, जो लहू यीशु मसीह के गसमनी बाग से उसके माथे से पसीनों की बूंद के साथ मिलकर निकला, आज मैं प्रार्थना करता हूं वो सारी फीलिंग्स आपकी लाइफ से फिनिश हो चुकी है इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बाइबल कहती है जो लहू परमेश्वर के गालों से निकला, जो लहू उसकी दाढ़ी से निकला, जो लहू जो इसलिए निकला कि वो लोग उसकी रेपुटेशन को खराब कर रहे थे, वो उसको अपमानित कर रहे थे, आज मैं घोषणा करता हूं आज उन लोगों के लिए जो अपमानित हो चुके हैं, जिनकी रेपुटेशन खराब हो चुकी है, शैतान ने जिनके नाम को खराब कर दिया है, आज यीशु के लहू के साथ मैं घोषणा करता हूं आज आपके बीच में और शैतान के बीच में मैं घोषणा करता हूं ये लहू खड़ा है, ये लहू जो उत्तम बातें कहता है, आज से मैं घोषणा करता हूं जो इस डिक्लेरेशन के नीचे इस लहू को ले रहे हैं आपके नाम को परमेश्वर अच्छा करेगा, आपके नाम को परमेश्वर बढ़ाएगा, आपकी रेपुटेशन को परमेश्वर रिस्टोर करेगा, आपके अच्छे नाम को परमेश्वर बढ़ाएगा। आज से मैं शैतान को बोलता हूं शैतान, ए बैड रेपुटेशन, इंसल्ट, आज से यीशु के लहू के पाड़े को मैं लगाता हूं, आज से तू चाहते हुए भी एंटर ना कर पाएगा शैतान,
आज से तू चाहते वो भी एंटर न कर पाएगा, क्योंकि आज से यीशु मसीह के बाड़े के लहू के बाड़े का ये नीचे है। आज से मैं घोषणा करता हूँ खंबरा चर्च बिलीवर्स के ऊपर, ब्रांचेस के ऊपर, ऑनलाइन चर्च के ऊपर, आज से खुदावंद आपकी इज्जत को 100 गुना बढ़ाने जा रहा है, आपकी फैमिली की इज्जत को वो बढ़ाने जा रहा है, आपकी इज्जत को वो बढ़ाने जा रहा है। आमीन। ऊंचा ये ब्लेसिंग आपकी है, क्योंकि जो उसका लहू उसकी कालों से निकला उसने प्रेजेंस को रिस्टोर कर दिया। जो प्रेजेंस याजक जाते थे खुदावंद की प्रेजेंस में सेवा करते थे, आज जो यूथ, आज जो बच्चे, आज जो भाई बहने बुजुर्ग खुदावंद की सेवा से दूर हो चुके हैं, पहले वो सेवा करते थे, अभी सिर्फ विश्वासी रह चुके हैं। आज मैं घोषणा करता हूँ जब इस प्रभु भोज को आप ले रहे हैं, आज मैं घोषणा करता हूँ जब इस प्रभु भोज को आप ग्रहण कर रहे हैं, आप फिर से सेवा करने पाएंगे इन जीसस ने, आप फिर से सेवा करने पाएंगे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, आप फिर से सेवा करने पाएंगे यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम में। उस भोज को लेते जाएं, इन घोषणाओं के नीचे उस भोज को लेते जाएं। शर्माए नहीं, शर्माए नहीं। अगर आपका दिल स्ट्रगल कर रहा है तो शर्माए नहीं लेने के लिए, अगर आपकी स्पिरिचुअल लाइफ स्ट्रगल में है तो शर्माए नहीं, उसे ले ले, लोगों की परवाह मत करें। यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं घोषणा करता हूँ, यीशु का लहू शैतान तेरे और इनके बीच में आज से खड़ा है, इनकी रेपुटेशन रिस्टोर हो चुकी है, इनका अच्छा नाम आ चुका है, बैड नाम खत्म हो चुका है, स्ट्रेस खत्म हो चुकी है। आमीन। ऊंचा ये बरकत आपकी है चर्च, बरकत आपकी है चर्च। आप अच्छे कर्म कर पाएंगे उस लहू से जो यीशु के हाथों से निकला, उसके साथ साथ चल पाएंगे उस लहू से जो उसके पैरों से निकला। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी होगी। अपने हाथों को उठाएं। थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करता हूं खुदा बाप उन लोगों के लिए जो शारीरिक रूप से बीमार हैं, तेरा लहू जो तेरी पीठ से निकला, कोड़ों से निकला, आज मैं बीमारी को बोलता हूँ, बीमारी तेरे और इनके बीच में आज से लहू खड़ा है, तू एंटर न कर पाएगी, और बाड़ा लगा है, तू एंटर न कर पाएगी। यीशु मसीह नासरी के नाम में जो इस घोषणा के नीचे इस लहू को ले रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में तुम्हारे शरीर चंगे हो जाए, हड्डियों के जोड़ चंगे हो जाए, तुम्हारी पूरी बॉडी चंगी हो जाए। आमीन। चाहे बरकत तुम्हारी है। मैं घोषणा करता हूं उन लोगों के ऊपर जो शैतान के सताए हुए हैं, जादू टोने के सताए हुए हैं, जिन पर दुष्ट आत्मा अटैक करता है, अजीब सा अटैक, अजीब सी लड़ाई होती है फैमिली में, अजीब सा अटैक होता है उनके फाइनेंस के ऊपर, एक्सीडेंट हो जाता है, अजीब सा नुकसान हो जाता है, आग लग जाती है, अजीब सा कोई नुकसान पैसे देके भाग जाता है, ये सारे शैतानी एलिमेंट्स हैं। वो ब्लड जो यीशु मसीह के कांटों से निकला, वो ब्लड जो यीशु मसीह के कांटों के ताज से निकला, मैं घोषणा करता हूं शैतान वो लहू और इनके बीच में, तेरे और उस प्रॉब्लम के बीच में, मेरे भाई मेरी बहन, आज यीशु मसीह का लहू है उस जादू और टोने के बीच में और तेरे बीच में, आज यीशु मसीह का लहू खड़ा है। मैं शैतान को हुक्म देता हूं आज से तो उस लहू को क्रॉस न कर पाएगा। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में उस लहू से जो जीसस क्राइस्ट के कांटों के ताज से नीचे आया, खंबरा चर्च के हर एक बिलीवर के ऊपर, इन घोषणाओं को सुनने वाले हर एक बिलीवर के ऊपर, ऑनलाइन ऑफलाइन आपकी लाइफ के ऊपर, मैं शैतानी किंगडम के ऊपर आपकी जीत की घोषणा करता हूं। खुदा का आत्मा कर 7 बार चिल्ला के आमीन बोलो, 7 बार चिल्ला के आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, आज बहुत ही खास दिन रहा और आज खुदावंद ने अद्भुत काम किया है चर्च में, और आज आपने देखा है कि कैसे
खामरा चर्च में परमेश्वर की हजूरी, पवित्र आत्मा की सामर्थ, प्रभु यीशु मसीह का लहू और बदन काम किया लोगों के बीच में। आज लोग छुड़ाए गए, लाखों की तादाद में लोग छुड़ाए गए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सबने छुटकारा पाया। आज प्रभु यीशु मसीह का लहू बोला, आज बदन बोला, आज वचन को पूरा होता हुआ हमने खुली आंखों से देखा। हालेलुया। खुदाबंद के प्यारे लोगों, में आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये खामरा चर्च में आज एक अलग तरह का प्रभु भोज लोगों को दिया गया। वो प्रभु भोज जो वचन के अनुसार था वो हम सब ने लिया, और हम सबके जीवन आज से सेम नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आप खुदावंद के प्यारे लोग जब इस वीडियो को देख रहे हो तो आप पूरी वीडियो को अनकुनुरला मिनिस्ट्री चैनल के ऊपर जाके जरूर देखें, फिर आप पूरे खुदावंद के वचन को समझ पाएंगे, उसके लहू, उसकी बदन की ताकत को आप समझ पाएंगे। हालेलुया। प्रभु आपको बरकत दे, प्रभु आपको आशीष दे। आप ब्लेस हैं, ब्लेस हैं, ब्लेस हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी जिंदा नाम में। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।